हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना बताएंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। तो हमारे मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, चेस्ट 36, वेस्ट 30, लेंथ 14 और हमारे शोल्डर भी 14 है। तो देखिए किस तरीके से हम इस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो गाइस, अब देखिए चार फोल्डों में हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब हम 6.5 पे अपना तीरा लेंगे और 7 पे हम लेंगे मुट्ठा आर्म होल के लिए। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। 1.5 इंच की हमारी गोलाई। अब गले के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि अगर हमें ये बिना बत्ती का गला बनाना है पीछे के साइड का, तो 2.5 इंच नॉर्मल है 8 इंच के गले में, तो इसको गोलाई कर देंगे 1/2 इंच की। अब हम लेंथ लेंगे अपने ब्लाउज़ की कि हमें कितनी लेंथ लेनी है। तो 14 इंच मैं अपने ब्लाउज़ की लेंथ रख रही हूँ और उसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम दबाने के लिए 16 इंच तक। तो देखिए 16 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम डार्टिंग का निशान लगाते हैं अपने। तो उससे पहले मैंने 9 पे और 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा दिया है और नीचे का निशान हम बाद में लगाएंगे डार्टिंग करने के बाद, क्योंकि बीच में डार्टिंग भी आती है गाइस। तो ये 3.5 साइड में से और ऊपर की साइड से हमने लिया है 10.5। और देखिए इस तरीके से हम एक सीधी लाइन लगा देंगे और 1-1 इंच दोनों साइड लेंगे और इस तरीके से आप एक नीचे की डार्ट बना देंगे। ये मेन डार्ट होती है गाइस, अगर आपकी ये सही लगती है तो बाकी सारी डार्ट भी आपकी बिल्कुल सही लगेगी। और आप 1.5-1.5 इंच पर निशान लगा दें। चेस्ट के अकॉर्डिंग है ये सारी। 36 इंच तक आप 1.5 आराम से ले सकते हैं। अगर आप 36 इंच से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको ये डार्ट 2 इंच पे लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे निशान लग गए हैं। अब हम अपनी कमर का निशान लगाते हैं। तो 3 इंच यहाँ से ले लिया मैंने और 5 इंच यहाँ से, क्योंकि मेरी 32 इंच कमर है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको निशान पर हम कट कर लेंगे। जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो हमेशा साइड में से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें और नीचे से भी आप एक्स्ट्रा ही कटिंग करें। तो जब भी आप ब्लाउज़ आगे का पार्ट काटें ना ब्लाउज़ का, तो हमेशा पीछे के पार्ट से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही काटें, क्योंकि हमारी डार्टिंग में ब्लाउज छोटा भी हो जाता है। अब हम दोनों पीसों को देके अलग करेंगे, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, पीछे का गला बनाएंगे। तो पीछे का गला देखिए आप किस तरीके से बना सकते हैं। आपको जितना डीपर चाहिए आप उतना डीपर रख सकते हैं, बट हम इसे 8 इंच ही रख रहे हैं। तो 8 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से गोलाई कर दी है। तो वही हिसाब है गाइस, अगर आपको डीपर गला चाहिए होता है तो आपको मुड्डे और गले को छोटा ही रखना होता है। और इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर दी है यहाँ पे। इस तरीके से हमारे दोनों गले हमने कट कर लिए हैं और अब हमने मुड्डे भी कट करके इन दोनों ब्लाउज के पार्ट्स को अलग कर दिया है। ये हमारे पीछे की डार्टिंग है। जब हमने आगे मार्किंग किया था तो कपड़े पर ये पीछे भी मार्किंग आ गई थी, तो अब उसी पे से हम निशान लगा लेंगे। अगर आपकी मार्किंग नहीं आती है, कपड़ा मोटा है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से फिर से 10.5 और बीच में से 3.5 ले लेंगे। अगर आपको 4 इंच लेना है बीच में से तो 4 ले सकते हैं बैक साइड। अब देखिए आगे से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट रही हूँ, क्योंकि आगे हम जितनी भी अगर चेस्ट पा रही है तो हमें आगे से ज़्यादा कपड़ा कट करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े का गुच्छा बन जाता है बगल में। तो इस तरीके से कट कर देना चाहिए आपको। अब मैं इसको 2 पार्ट कर रही हूँ। तो ये सिंपल ब्लाउज में आपको सिलना बताऊंगी। देखिए गाइस, दूसरी साइड पे हमें सेम निशान ही चाहिए, तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। जिस पे आप निशान लगा रखा है उस पे ब्लाउज़ के दूसरे पीस को इस तरीके से उल्टा रख दें। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा निशान आ गया था इस पे, उसके बाद आप इस तरीके से डार्क कर लें। अब हम अपने ब्लाउज़ के लिए तिरछी पट्टियाँ काट रहे हैं। ये वाली पट्टियाँ हमारी लगती है गले के अंदर। काटते हैं अपनी बाजू को।
तो देखिए इस साइड से ही बंद साइड है, तो बंद साइड से हम 5 इंच लेना है, तो मैं 6 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। 1 इंच हम अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, 3 इंच डीप 36 का। आप 12वां हिस्सा ले तो 3 इंच डीपर आप इसे ले लें। तो जैसे मेरी अब 11 इंच है, तो मैं 7 इधर से ले रही हूँ और आप कट कर लेंगे। आप देख ले कोई लेयर आगे पीछे तो नहीं है, इस तरीके से कट कर ले और अभी आपकी बाजू के दाढ़ी है। और गाइस आगे के पार्ट के लिए हम 1/2 इंच टेप पर इसको काट लेंगे। ये आगे की शेप लगा रहे हैं और इस पर देखिए इस तरीके का नॉच हम लगा लेंगे। ये हमारे 2 पार्ट रेडी है, इनको प्रेस करेंगे तो सीधे हो जाएंगे। और अब हम क्या करते हैं, ब्लाउज के आगे जो आई हुक वाली पट्टी लगती है उनके लिए हम ये इस तरीके से पट्टियाँ काट लेते हैं। कम से कम आपको 2 इंच की पट्टी काटनी है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी चौड़ी लगाते हैं। इधर अब अस्तर काटते हैं गाइस हम। तो अस्तर को देखिए पहले मैंने 2 फोल्डों में फोल्ड कर लिया है, तो ये मेरा पीछे का पार्ट है ब्लाउज का, तो इसको हम हमेशा जहाँ बंद साइड है उस साइड रखेंगे देखिए बैक को, और इस तरीके से सेट करेंगे। और निशान लगा ले, ब्लाउज को सेट करके निशान मैंने लगा लिया है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट पे आप रखें और निशान लगा लें। फिर इस तरीके से ये मैंने दूसरी साइड अपना दूसरा पार्ट रख दिया है, जो ये हमारा आगे वाला पार्ट है, और इस पर निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कट कर लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। तो आगे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे और पीछे वाले पार्ट को भी, निशान पे ही हमें कट करना है। आपको इसे आगे और पीछे कट नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर ये हम आगे या पीछे कट करेंगे तो ये हमारे ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उससे मैच नहीं हो पाएगा, फिर आपको सिलने में बहुत दिक्कत आएगी। इसी तरीके से हम बाजू को भी कर लेंगे। देखिए बाजू पे भी हम इसी तरीके से निशान लगा के फिर उसको कट कर लेंगे। ये 2 लेयर्स लिए गाइस, ध्यान रखिए मैंने, और इसके ऊपर मैंने 1 फैब्रिक का पीस रख दिया है अपने बाजू का, जिससे निशान आ गया है। और अब इसको निशान पे ही हमें कट करना है, आगे या पीछे कट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारी सारे पीस कट हो चुके हैं गाइस। तो हमारे वीडियो में आज इतना ही हमको सिखाना था कि आप कैसे ब्लाउज को काट सकते हैं। तो मैंने आपको अस्तर वाला ब्लाउज काटना सिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।